नमस्कार, मनोदेल सिरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना अध्याय 14 है, राजस्थान में शैक्षिक पहल। राजस्थान में शैक्षिक पहल से के आप इसके नाम से ही समझ गए हैं कि राजस्थान में शिक्षा के में तकनीकी का प्रयोग, संप्रेषण का प्रयोग, यानी कि शिक्षा को और अधिक अधिक इंटरेस्टिंग या प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान में शैक्षिक पहल का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में एजुकेशन इनिशिएटिव को लाया गया, जिसको हम री के नाम से भी जानते हैं, जो एक दबोस कार्यक्रम हो रहा था 2005 में। दबोस कार्यक्रम में विश्व आर्थिक मंच है दबोस, तो उसमें आयोजित बैठक में वसुंधरा राजे ने सभी राज्यों के साथ में, सभी राज्यों में विचार विमर्श होता है, तो वसुंधरा राजे ने इस पे क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव ये एक प्रकार का पेपी मॉडल है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है होती है इसमें, और इसकी जो री की वेबसाइट भी लॉन्च की कर दी गई 2009 में, www.ri.org.in। अब री के प्रमुख रूप से सहयोग करेगी राजस्थान में जो कार्यक्रम होते हैं, तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, और इसके कई जो एजेंसियां वो भी सहयोग कर रही हैं। तो इसमें दो प्रकार के सहयोगी हैं, एक तो मुख्य सहयोगी होते हैं, एक गौण सहयोगी। इस प्रकार से ये दो रूप से ये प्रोग्राम चल रहा है। मुख्य सहयोगी में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CTT भी बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEP भी इसमें सहयोग करता है, और वैश्विक में ई विद्यालय और सामुदायिक पहल के GECSEI, जिसको बोलते हैं विद्यालय, वैश्विक ई विद्यालय एवं सामुदायिक पहल, ये सभी इसमें क्या करते हैं, मुख्य सहयोगी हैं। मुख्य सहयोगी कौन से हैं, एक तो भारतीय उद्योग परिसंघ, एक विश्व आर्थिक मंच, और विश्व ई विद्यालय एवं सामुदायिक पहल। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, CTT, WEP और GECSEI। गौण सहयोगी, गौण सहयोगी में विभिन्न एजेंसियां आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, बोध शिक्षा समिति, भारतीय फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अमेरिकी भारतीय फाउंडेशन और प्रथम राजस्थान, इसमें ये प्रमुख रूप से सहयोग करने वाली जो कुछ एजेंसियां हैं। और RE के जो प्रमुख कार्य राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान है, उसके लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायता करेगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसका प्रयोग महत्वपूर्ण कार्य है। RE की दो कार्यधाराएँ होती हैं कि वो कार्य किस प्रकार से करेगा, एक तो ICT का प्रयोग करके, एक नॉन ICT, यानी ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के बाद में जो शिक्षा में सुधार किया जाता है उसे बोलते हैं ICT, और नॉन ICT यानी इसकी तकनीकी के बिना अगर कोई सुधार होता है तो उसे बोलते हैं नॉन ICT। ICT में शैक्षिक प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग, जिसमें इंटेल, IIMB का प्रयोग, माइक्रोसॉफ्ट, हीवल, सिक्को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ब्लॉसम चैरिटेबल ट्रस्ट, अमेरिकन भारतीय संघ, राजीव प्रेमजी संघ, ये इसके प्रमुख रूप से सहयोगी हैं, ये तकनीकी का प्रयोग करते हैं। नॉन ICT में सामाजिक व नवीन विधियों के प्रयोग से, जो समाज में जो नवीन विधियाँ हैं उनके प्रयोग के बाद में, यानी कि तकनीकी का प्रयोग नहीं हो रहा, समाज और नवीन विधियों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाया जा रहा है, सरल बनाना। तो ये नॉन ICT के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख सहयोगी हैं CII, ICICI, अजीज प्रेमजी संघ, भारतीय संघ, बोध शिक्षा समिति, एडुकेट गर्ल ग्लोबली और नंदी संघ, ये प्रमुख रूप से नॉन ICT क्षेत्र हैं। ICT में सहयोग कौन देता है, इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, हीवेल, सिक्को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ब्लॉसम चैरिटेबल ट्रस्ट, अमेरिकन भारतीय संघ और अजीज प्रेमजी संघ। ये अजीज प्रेमजी संघ दोनों में है, ICT में भी है और नॉन ICT में भी है। री का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका जो कार्य है वो SSE सर्व शिक्षा अभियान, जिसको बोलते हैं SSE, उसके तहत किया जाता है। तो ये राजस्थान में री को चलाता कौन है, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इसके कार्य को चलाया जाता है। और ये कार्य किसके तहत करता है, तो ये SSE के तहत कार्य करता है। वर्तमान में ICT के 11 हैं केंद्र और नॉन ICT के क्षेत्र हैं 22। ICT कितने हैं, 11, और नॉन ICT कितने हैं, 22 हैं। ये HUM के अंतर्गत इसमें हस्ताक्षर होते हैं, इसी के अंतर्गत इसको चुना जाता है इनको। अभ्यास कार्य देखो, इसमें जो अभ्यास के प्रश्न है वो री का पूरा नाम क्या है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। री की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी, तो 2005 में शुरुआत हुई थी। राजस्थान में री की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया, तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को। री के मुख्य सहयोगी नहीं है, तो GESCI है, WEP है, WIT है, FEGG है, तो इसमें ये नहीं है, बाकी सब है, अभी हमने पढ़ा है। री की जो अधिकृत वेबसाइट www.rig.org.in, वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सहयोग से कब लॉन्च की गई थी, तो फरवरी 2009 में इसको लॉन्च किया गया है। वर्तमान में री द्वारा कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 35। तो 35 देखो इसमें हो गए, 11, 2 और 2 एक्स्ट्रा और हैं, 2 और इसमें सहयोग करते हैं, तो 11 तो ICT हैं, 2
22 है नॉन आईसीटी वाले क्षेत्र हैं, और एक और है उसमें जिस दो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, दो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के क्षेत्र होते हैं, तो टोटल इसमें 35 है। 35 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं वर्तमान में राजस्थान में, इतने संचालित हो रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तकनीकी का प्रयोग या फिर सूचना संप्रेषण से किसी भी रूप से शिक्षा में सुधार के लिए ये री को बनाया गया है, जिसको वसुंधरा राजे ने दबो जो सम्मेलन था उसमें हस्ताक्षर करके 2005 से ये शुरू है। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो बालिकाओं के बहुआयामी जो विकासशील उद्देश्यों के साथ साथ जो प्रारंभिक उसकी स्कूल हैं शिक्षा का सार्वजनिक करना है, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक का सबलीकरण करना है, कंप्यूटर शिक्षा का प्रयोग करना, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना है इसका प्रयोग है, बालक बालिकाओं के लिंग भेद में न्यूनता लाना है, ICT और ICT के माध्यम से कौशल है उनको विकास करना और अधिगम स्तर को बढ़ाना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। और इसके जो पहल होती है वो जो कार्यक्रम की राजस्थान शिक्षा पहल, इस कार्यक्रम का सितंबर 2005 से शुरू है। ये क्या है, एक प्रकार का PP मॉडल है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसमें, तो इसको आप याद रखने, एक तो इसको आपकी वेबसाइट याद रखनी है इसको, और इसकी शुभारंभ कब होता है राजस्थान शिक्षा पहल का, तो सितंबर 2005 में। इसमें मुख्य सहयोगी आपको जरूर याद रखने हैं, एक तो भारतीय उद्योग परिसंघ परिसंघ जिसको हम बोलते हैं ICIT, भारतीय उद्योग परिसंघ CIT, विश्व आर्थिक मंच WEP, और वैश्विक ई विद्यालय सामुदायिक पहल जिसे बोलते हैं GECSCI। तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।